जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 मैच नंबर 28 खेला गया राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। संडे का महामुकाबला जो दिन के समय खेला गया, संडे को दो महामुकाबले, एक शाम को पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच नंबर 29 खेला जाना है। लेकिन बात करें राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के इस महामुकाबले की, तो फर्स्ट इनिंग के दौरान 220 तीन विकेट के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स ने बना दी। दोस्तों आपको बता दें, ये इस सीज़न का सेकंड हाईएस्ट स्कोर माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले पंजाब किंग्स ने समथिंग 221 बनाए थे। उसके बाद दोस्तों पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाए थे 218, और उसके बाद अब 220 बन चुके हैं। तो ये हाईएस्ट स्कोरिंग मुकाबले हमें दिल्ली के मैदानों पर देखने को मिल रहे हैं। दिल देखकर दोस्तों ये खुश हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं, और एक शतकीय पारी हमें देखने को मिली। दोस्तों इस सीज़न का यह तीसरा शतक आया, एक विदेशी खिलाड़ी ने मारा है, लेकिन जिस प्रकार से मारा है बहुत ताबड़तोड़ अंदाज से। दोस्तों आपको बता दें, जॉस बटलर ने अपने करियर का पहला T20 शतक जड़ा इस मुकाबले में, और उनका साथ दिया संजू सैमसन ने। चलिए आपको शुरुआत से बताते हैं सब कुछ, क्या कुछ खास हमें देखने को मिला आज के मुकाबले में। तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का ये मैदान है, और दिन में 3:30 बजे से ये मुकाबला शुरू हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद के नए कप्तान कैन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और इसी फैसले के साथ उन्होंने अपने 3-4 फैसले और सुना दिए कि टीम में 3 बदलाव कर रखे हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स भी दोस्तों 2 बदलाव के साथ आज मैदान पर उतरी थी, जहां पर उन्होंने शिवम दुबे और एक तेज गेंदबाज को हटाकर जयदेव उनाडकट को हटाकर आज खिलाया कार्तिक त्यागी, और बल्लेबाज को यहां पर अनुज रावत को शामिल किया। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने एक तो पहले कप्तान बदला डेविड वार्नर को हटाकर कैन विलियमसन को शामिल किया, दूसरी तरफ उन्होंने दोस्तों अब्दुल समद और मोहम्मद नबी की वापसी कराई। जी हाँ दोस्तों, ये 3 खिलाड़ी हमें देखने को मिले, और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार की भी वापसी हुई सिद्धार्थ कोल की जगह। तो ये बहुत बड़े बदलाव आज SRH ने कर रखे थे। खुद डेविड वार्नर को हटा दिया आज के मुकाबले में, इसके पीछे का रीज़न अभी तक साफ नहीं हुआ, क्योंकि एकदम फिट खिलाड़ी उनके बल्ले से रन आ रहे हैं। कप्तानी भले ही थोड़ी ख़राब कर रहे थे, लेकिन बल्ले से रन आ रहे थे, तो आपने उन्हें टीम से निकाला क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही था। चलिए इस सवाल का आंसर खोजने की कोशिश करेंगे वीडियो के अंत से पहले, लेकिन आप जानते हैं कि 220 कैसे बने। सर्वप्रथम दोस्तों यहां पर जब टॉस जीतकर हैदराबाद ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो उनके दिमाग में भी कल का मुकाबला चल रहा होगा जो चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का था। आखिरी गेंद पर 219 का बड़ा लक्ष्य चेस हुआ था, लेकिन वहां पर दमदार खिलाड़ी कीरन पोलार्ड मौजूद थे, और इस साल अगर देखा जाए सबसे खराब किसी टीम का मिडिल ऑर्डर है तो वो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि ना ही विजय शंकर अच्छे रन मार रहे हैं, ना ही केदार जाधव रन मार रहे हैं, ना ही इनसे पहले जो खिलाड़ी थे वो रन मार रहे थे। लेकिन आज के मुकाबले में मोहम्मद नबी, अब्दुल समद को शामिल किया है, तो क्या ये मुकाबला चेज हो पाएगा? क्या 221 रन 120 गेंदों में बन पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, इसका सवाल का अंत हमें मैच के ख़त्म होने तक पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग साझेदारी जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आई थी बल्ला थामे, और सामने खतरनाक गेंदबाज दोस्तों आज हमें देखने को मिले, 4 से 5 तेज गेंदबाज और 2 धीमी गति के गेंदबाज, जिसमें मोहम्मद नबी और राशिद खान, बाकी 4 गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, खलील अहमद और विजय शंकर शामिल थे। लेकिन हमने देखा कि पहली विकेट आ गई थी दूसरे ओवर की 6 गेंद पर 17 रन पर, तो लग रहा था कि दिल्ली के ये मैदान पर भी आज छोटा स्कोर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही टीमें टेबल के यानी जो पॉइंट्स टेबल है उसमें 7वें-8वें नंबर पर विराजमान है। 7वें पर राजस्थान रॉयल्स है 2 जीत कर साथ 6 में से, और 6 में से 1 जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद 8वें नंबर पे है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स का, उसके बल्ले से रन आए, कि वो जानते हैं कि ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है अगर हार गए तो। अगर जीत जाते हैं तो अभी प्लेऑफ की रेस में बने रहेंगे, प्लेऑफ की रेस में बने ही नहीं रहेंगे बल्कि ऊपरी क्रम पर इस सीज़न का अंत कर सकते हैं। तो जोस बैटलर ने बड़ी सुलझी हुई पारी खेली, लेकिन यशस्वी जायसवाल फिर गलती कर दिए, जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे थे, वो राशिद खान की गेंद में फंस गए। 13 गेंदों पर 12 रन बनाया था यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके की मदद से, राशिद खान ने उन्हें LBW आउट कर दिया। ये युवा खिलाड़ी सबसे बेहतरीन गेंदबाज की जाल में फंस गया और आउट हो गया, और पहली विकेट गिरी थी ऐसी राजस्थान रॉयल्स की। लेकिन उसके बाद दोस्तों आई 150 रन की एक पार्टनरशिप। जी हाँ दोस्तों, 150 रन्स की पार्टनरशिप आई संजू सैमसन और जॉस बटलर के बीच, जिसमें संजू सैमसन का योगदान था 33 गेंदों में 48 रन का। इतने शानदार अच्छे से रन बनाए संजू सैमसन ने, कप्तानी पारी खेली, क्योंकि दूसरे छोर से जॉस बटलर ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे। वो जानते थे कि जॉस बटलर जब अच्छा कर रहे हैं तो उनको दूसरा क्रीज थाम के रखना है। अगर रियान पराग या डेविड मिलर आते हैं तो वो भी बल्ला घुमाने की कोशिश करते, लेकिन संजू सैमसन ने सूझबूझ दिखाते हुए 4 चौके 2 छक्के फिर भी लगा दिए, 145 के स्ट्राइक रेट से फिर भी बल्ले की,
और 33 गेंद में 48 रन बनाए शानदार तरीके से संजू सैमसन ने। लेकिन एक खास बात यह देखने को मिली कि दोस्तों जॉस बटलर का बल्ला जब जब चलता है तो वो राजस्थान रॉयल्स को मैच जिताने के लिए चलता है और आज का मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। भले ही हैदराबाद को जीत की उससे ज्यादा जरूरत हो लेकिन जो टीम राजस्थान रॉयल्स वापसी कर सकती है तो उसको जीतना चाहिए क्योंकि आधा सीजन दोस्तों होने वाला यानी राउंड 2 चल रहा है। सभी टीमों के साथ साथ मैच हो चुके हैं, इसके बाद जो 7 मैचेस शुरू वो राउंड 2 हैं, तो यानी कि आमने सामने वो टीमें होंगी जिनसे उनका पहला मुकाबला हो चुका है। अब हमें यह देखने को मिला दोस्तों संजू सैमसन का विकेट 16वें ओवर की 4थी गेंद पर लिया जब 167 बन चुके थे राजस्थान रॉयल्स के, यानी 10 रन प्रति ओवर बना रहे थे संजू सैमसन और जॉस बटलर। जहां पहली विकेट गिरी थी तब 17 रन पर पहली विकेट गिरी थी दूसरे ओवर की 6थी गेंद पर, लेकिन जो संजू सैमसन की विकेट गिरी दोस्तों उसमें एक हाथ था अब्दुल समाद का। शानदार तरीके से अब्दुल समाद ने बाउंड्री पर कैच पकड़ी भी, वो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच थी, वो विजय शंकर की गेंद थी। विजय शंकर आखिरी कुछ ओवर में गेंदबाजी इसलिए कर रहे थे क्योंकि राशिद खान से शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी करवा दी थी जॉस बटलर और संजू सैमसन की जोड़ी को तोड़ने के लिए, लेकिन कप्तान कैन विलियमसन के हाथों इन दोनों की विकेट बहुत जल्दी हाथ नहीं लगी। ये दोनों बल्लेबाजी फिर भी करते रहे। उसके बाद दोस्तों जब संजू सैमसन ने 33 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हो गए तो रियान पराग को भेज दिया। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाले फैसले दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की यही हुए हैं कि आखिरी कुछ ओवरों का इस्तेमाल वो सही से कर नहीं पाई, क्योंकि दोस्तों आखिरी कुछ ओवर में क्रिस मोस जैसे बिग हिटर अगर आ जाते रियान पराग की जगह तो ये 220 की जगह 230 भी हो सकता था। रियान पराग ने भले ही 8 गेंदों पर 15 रन बनाया हो लेकिन 8 गेंदों का इस्तेमाल और अच्छे तरीके से हो सकता था। इस 8 गेंद में 15 रन में सिर्फ एक ही बाउंड्री आई और डेविड मिला दोस्तों कितने खतरनाक इन्होंने जता दिया क्योंकि 3 गेंदों पर 7 रन बनाया, आखिरी गेंद पर इन्होंने छक्का मार दिया था। शुरुआती 2 गेंदें डॉट करी थी लेकिन उसके बाद इन्होंने छक्का मारा और सिंगल लिया था, तो यहाँ पर इनके 6 रन दिख रहे हैं सीधे छक्के से। डेविड मिलर और रियान पराग लास्ट में नाबाद थे लेकिन उससे पहले जॉस बटलर अपने करियर का सबसे शानदार बल्लेबाजी करके हटे क्योंकि अब तक का इनका सबसे अच्छा जो बेस्ट परफॉर्मेंस था वो साल 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आया था। 60 गेंदों में कुछ 95 रन की पारी खेली थी लेकिन आज के मुकाबले में ये 64 गेंद में 124 रन 11 चौके 8 छक्के की मदद से खेल गए, यानी कि अगर टोटल देखा जाए दोस्तों करीब करीब 92 रन इन्होंने चौके छक्के में बनाए। इसके अलावा जो रन बचे वो सिंगल डबल, 64 गेंद में 124 रन बनाए और बॉलर संदीप शर्मा ने इनको आउट करा क्योंकि इनकी बल्ले की एज पर लगकर गेंद सीधा विकेट में जा लगी थी। लेकिन एक चीज़ हमें दोस्तों ये खास देखने को मिली कि जॉस बटलर की इस पारी की वजह से राजस्थान रॉयल्स ने सीजन का सेकंड हाईएस्ट स्कोर खड़ा कर दिया। अगर ये चेज होता है दोस्तों, अगर ये बाय चांस चेस होता है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से तो आपको बता दें इतिहास में दूसरा ऐसा ये हाईएस्ट स्कोर होगा जिसको कोई टीम चेस करेगी। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने चेस किया था 223 का लक्ष्य पंजाब किंग्स के खिलाफ साल 2020 यूएई के मैदानों पर, वहां पर अच्छी बल्लेबाजी करी थी राहुल तेवतिया ने, आप सभी को याद होगा, आप सब राजस्थान रॉयल्स के फैंस हैं, तो वहां पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल का सबसे सफल रनचेज राजस्थान रॉयल्स ने बनाया था। लेकिन क्या उनके खिलाफ सबसे सफल रनचेज बन पाएगा सेकंड हाईएस्ट सनराइजर्स हैदराबाद की? अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें दोस्तों तो उनके पास भी बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद है जॉनी बेस्ट और कैन विलियमसन, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं? मनीष पांडे और केदार जाधव पर भी भरोसा जताना होगा, मनीष पांडे ने अच्छी बल्लेबाजी की है, कई बार मैचेस जिताए हैं अपने अकेले दम पर, लेकिन अभी तक इस सीजन ऐसा काम नहीं किया है कि उनके बैट से निकले रन टीम की जीत बने हो। केदार जाधव दोस्तों वो इनसे जादुई वो मैजिक नहीं देखने को मिलता जो उनके बैट में है। विजय शंकर, मोहम्मद नबी और अब्दुल समाद दोस्तों ये बिग हिटर हैं, अगर चाहे तो मैच का रुख कभी पलट सकते हैं जैसे किरण पोलार्ड ने पलट दिया था, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा निगाहें अब्दुल समाद पर होंगी इस युवा खिलाड़ी पर क्योंकि इससे गेंदबाजी करवाई नहीं, तो समझ लीजिए कि आप इसे एक बल्लेबाज के रूप में खिला रहे हैं, तो ऊपरी क्रम पर भी इनको बल्लेबाजी का मौका मिलना चाहिए अब्दुल समाद को। और साथ ही साथ राशिद खान को कैसे भूल सकते हैं, ये तो बिग हिटर हैं ही अपने टीम के। तो पहली इनिंग के दौरान दोस्तों 220 3 विकेट के नुकसान पर 120 गेंदों में बनाए राजस्थान रॉयल्स ने, कप्तान संजू सैमसन 48 रन, जॉस बटलर 124 रन बनाए दोस्तों। अब पॉइंट्स टेबल की तरफ लेके चलें दोस्तों, तो अगर ये टीम जीतती है तो क्या कुछ बदलाव होगा ये भी आपको बता देते हैं। तो पॉइंट्स टेबल ये कहती है दोस्तों कि जीत हार से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन हाँ ये हो जाएगा कि आपको लास्ट में क्वालिफाइंग करने के लिए जो मैचेस बचे हैं अगर वो लगातार जीतते हैं तो आप क्वालिफाइंग करने के लिए इस रेस में बरकरार रहेंगे बाकी सभी ऊपरी क्रम की टीमों के साथ, क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजाब भी 7 में से 3 मैच जीती है और यहाँ पर अगर राजस्थान जीत जाती है अपना ये मुकाबला तो 6 नंबर पर तो आ ही जाएगी, इस बात में कोई दोहरा नहीं, और 7 में से 2 मैच जीती है कोलकाता वो 6 नंबर पर है, अगर आने वाले वो 7 मुकाबले जीती है तो कहीं प्लेऑफ में उनकी पहुँचने की जगह बनेगी। हैदराबाद
हैदराबाद की टीम बचे हुए अपने 8 मैचेस लगातार जीतती है तो उनके भी पूरे पूरे चांसेस है कि वो भी पहुंच जाएंगी आईपीएल के प्लेऑफ तक, जहां पर सेमीफाइनल फाइनल एलिमिनेटर प्लेऑफ की जंग जारी रहेगी। तो ये आंकड़े हैं दोस्तों। अब आंकड़े के साथ हम चलें तो डेविड वॉर्नर जो उनके सबसे खतरनाक बल्लेबाज थे आज तो वो बैठे हुए हैं। अब उनकी गैर मौजूदगी में कौन सा बल्लेबाज अपना योगदान देकर बल्ले से इस टीम को जीत की ओर लेकर जाएगा ये और ज़्यादा देखना दिलचस्प हो जाएगा। क्या लगता है दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के इस महामुकाबले में क्या सफल रन चेस कर पाएगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम? क्या कैन विलियमसन डेविड वॉर्नर से बेहतरीन कप्तान है? ये बड़े सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों का जवाब आप ही दीजिए क्योंकि आप भी फैंस हैं, आप भी कई सालों से सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फेवरेट टीम को। तो कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।